पर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सभ्यसाहूणम्। डोंगरगढ़ के चंद प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, इस सदी का तीसरा शतक, इस सदी का तीसरा दशक चल रहा है दशक, और इस दशक में सारा विश्व, उसकी मानवता कि सामने एक ऐसी बिकट समस्या खड़ी हुई है। इस सदी के तीसरे दशक में तीसरा विश्व युद्ध की संभावना सामने खड़ी हुई है। कितनी विवशता है हम कह नहीं सकते, उसके लिए वह अपना संकेत कर रहा है। एक के बाद एक ऐसी प्रश्न बनती जा रही हैं कि पूरा विश्व इस समय एक ऐसे ढेर पर खड़ा हुआ है, कब कैसी घटना घट जाए कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, एक ही बात सामने आती है, वो सच्चाई एक ही आती है कि विकास और वर्चस्व। हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। ऐसी इस पूरे विश्व की दिशाहीन दौड़ चल रही है, उसकी कोई भी दिशा नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक समाज है, प्रत्येक राष्ट्र है, हर एक ऐसा इंसान है जिसका जिम्मेदार है। क्योंकि उसकी दौड़ तो चल रही है, उसकी दिशा भी नहीं हो रही है, पर सच्चाई क्या है? क्योंकि थोड़ी सी भी ना समझी हुई, थोड़ी सी भी असावधानी हुई, क्या घटना घट जाएगी, ये सब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। इसलिए आचार्य उमा सिंह महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, व्यवहारम्भ परिकृतम नरकस्यसा, मतलब बहुत आरंभ बहुत परिग्रह जो होता है नरक आयु के आश्रव का कारण होता है, आश्रव होता है, बंध होता है, उसको फल भोगना पड़ता है। भाई इसलिए अभी ऐसी यहां बनती जा रही है, क्यों बनती जा रही है? क्योंकि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह प्रति हमारी मानसिकता बढ़ती जा रही है, सिर्फ भौतिकतावादी के हिसाब से चल रही है। ये हमारे सामने ऐसा आत्मघाती वस्तु आ गई है कि हम विकास की दौड़ के नाम पर अपने आप को मिटा भी रहे हैं, पूरे विश्व मानव जाति मिटाने तुले हुए हैं, सब देख रहे जान रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, टीवी है। क्या इसी बनती जा रही है? क्योंकि आसक्ति आसक्ति बहुत अधिक ऐसी हो गई है, बहुत आरंभ परिग्रह से ये होता है। अब इसके लिए आचार्य महाराज ने कौन सा हाई को लिखा, हम आपको बता देना चाहते हैं। कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे, कुंडली मार, समझ में आ गया आपको, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे। बहुत आरंभ परिग्रह की लालसा होती है और उस समय आयु पूर्ण हो जाती है, ऐसा जब लालसा गिद्धता के कारण से उसका भाव बिगड़ जाता है और वह जाकर के क्या बन जाता है, सांप बन जाता है, और ऐसा होता है कि खजाने में जाकर बैठ जाता है। और ऐसे कथानक आते हैं आगम में कि वह सेठ जी थे, वह राजा थे, खुद ही मर करके उस खजाने में जाकर के बैठ गए, जो राजा थे वो, जो उन्होंने खजाने इकट्ठा किया था, हीरे मोती झावड़ा जितने इकट्ठा किया था, मर करके उसी में जाकर सांप बैठ गए। और कोई भी जब उसको लेने आता था, मंत्री है, सेनापति है, तो फुंकार मारता था, जब सगा बेटा आता था कुछ नहीं कहता था, क्या मान बैठे। तो किस कारण से हुआ, क्रोध के कारण से हुआ, नहीं पाप में मधि हिंसा के पाप से हुआ क्या, नहीं झूठ के पाप से, कुशील के पाप से, चोरी के पाप से, परिग्रह के पाप से हुआ है। एक ऐसा ग्रह है जे नौ ग्रहों की व्यवस्था तो अपन सब कर लेते हैं, ग्रह साढ़े सात ही चल रहे हैं भैया, शनि ग्रह चल रहे हैं, मंगल ग्रह चल रहा है, ये अनेक व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनके लिए पूजा विधान अनुष्ठान सब कुछ करते रहते हैं कि इन ग्रहों की शांति हो जाए ताकि सुख शांति बनी रहे।
लेकिन जो परिग्रह नाम का जो दसवां ग्रह, कौन सा ग्रह? दसवां ग्रह कराएगा ना यहां, इसके हम इसको ग्रह नहीं मान रहे हैं, इसको हम ग्रह नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके और आ जाए ऐसी आसक्ति का परिणाम होता है कि वह जीव चंच गति में नरक गति में चला जाता है, कुंडली मार करके बैठ जाता है, इस प्रकार से ऐसा होता रहता है। ये हाइको की बात चल रही है, और हमारे मुनि श्री सौम्य सागर महाराज जी विगत एक महीने से जिंतूर जानते हैं अपने महाराष्ट्र में, प्रतिदिन एक एक हाइको पर ऐसा विशिष्ट प्रवचन कर रहे हैं कि लोग समझ क्या आचार्य जी ने क्या चीज लिख के दे दी है, क्या बता दे दी है। ऐसे सभी मुनि महाराज, सभी आर्यिका संघ इस पर अपना विशेष विशेष चिंतन दे रहे हैं। एक ही बात से बताना चाहते गुरु जी कि परिग्रह को कम करो, नहीं तो क्या स्थिति बन जाएगी, जैसी कुंडली मार करके वह सांप जाकर के बैठ गया है। कल रोटी की बात चल रही थी कि रोटी बनाकर खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, अब बीमार पड़ गया व्यक्ति, डायबिटीज हो गई, अब डॉक्टर के पास में गए, यहां पर मोटापे का विशेष इलाज है, डायबिटीज का विशेष इलाज होता है, आप तो संपर्क करें, निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको सलाह निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है भाई, वो पहुंच जाता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत परेशानी है, डायबिटीज डॉक्टर ने कह दिया है, मतलब सबने बोल दिया है डायबिटीज है, डायबिटीज है, अब इसका इलाज आप बता दीजिए। सिंपल इलाज, सर इलाज है, क्या करें? आपको दो रोटी खाना है। अच्छा, इससे ठीक हो जाएंगे? आलसा जो होती है ना, चाहे भोजन के प्रति गिद्धता हो, चाहे किसी भी भोग विलास के प्रति गिद्धता हो, एक गिद्धता हमारी नुकसानदायक हो जाती है। एक और उसमें हाइको याद आ गया जिसमें आचार्य ने लिखा है कि जीव बहुत दिन से दुखी है, भोजन इसमें मिलता है ना, जीव सुखी हो जाती है, तो बहुत दिन से दुखी है, दुखी क्यों हो गई है? क्योंकि पेट न पीठ ने दोस्ती कर ली है, पेट न पीठ ने दोस्ती कर ली है, मतलब समझ में आ गया कि जिसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, मतलब रसन इंद्रिय उसको उसको इस इंद्रिय इंद्रिय विजेता हो रहा है, ज्यादा देना नहीं चाहता है, तब से जीव दुखी हो रही है, ये लालसा का ही परिणाम होता है, इसलिए कहा है। अब आप लोग समझते हैं कि बहुरूपिया किसे कहते हैं? बहुरूपिया होता ना, क्या कहलाता है? अनेक रूपों को बदलता रहता है, बहुरूपिया कहलाता है। लेकिन वास्तव में हमने इसमें एक बात पढ़ी थी कि बहुरूपिया किसे कहते हैं? बहु रूपिया, जिसके बाद बहुत, जिसके बाद बहुत क्या रहता है? बहुरूपिया है, उसका परिणाम रहता है उसके में जो मोह आसक्ति जो मूर्छा पर पन आ गया, तो बाद में गिरगिट के साथ रंग, जैसे गिरगिट बदल, गिरगिट होता ना ऐसे तेंदुलकर में चला जाता है, अनेक रंग बदलता रहता है गिरगिट, इस प्रकार से ऐसा होता रहता है। इसको इकट्ठा करने के लिए कैसे कैसे पापल बेलने पड़ते हैं कह नहीं सकते हैं, इसलिए उलट पलट से बचो। कल जब आता, इसलिए हीरा 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 है, कांच कांच है, किसके लिए? ज्ञानी के लिए, ज्ञानी की दृष्टि में हीरा हीरा है, कांच कांच है, इसलिए कांच की कीमत क्या होती है, हीरे की कीमत क्या होती है, एक ज्ञानी समझ सकता है। और जो परम बीतरागी होते हैं उनके लिए कांच कनक में समता हो, सामने कांच भी आ जाए हीरा भी आ जाए, दोनों उनके लिए तो जड़ पदार्थ दिखते हैं, क्योंकि हमारा नहीं है। जिनको आसक्ति परिग्रह की आसक्ति रहती है वह हीरा को तो कीमती समझता है, इकट्ठा करके रखता है, लेकिन जो साधु परमिष्टि होते हैं उनकी दृष्टि में दोनों में समान, उनकी दृष्टि में समानता रहती है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। एक ज्ञानी की बात है। कल जब आचार्य महाराज जी हम सब के लिए स्वाध्याय कर रहे थे, तीनों महाराज जी के लिए, उसमें ज्ञान का विषय आया था कि पांच ज्ञान होते हैं और ज्ञान के कैसे कैसे बंध होते हैं, उसकी विषय चल रही थी, उसे चल रहा था, तो उसमें मना पर ज्ञान की बात आई कि मना पर ज्ञान की क्या विशेषता रहती है, कि जो आपके मन में तिष्ठित वस्तुओं को जान ले समझ लेते हैं, मन पर ज्ञान नहीं होते हैं। कितने प्रकार ज्ञान होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऋजुमति मना पर ज्ञान और एक विपुलमति मना पर ज्ञान। अब हम आचार्य ने बताया कि ऋजुमति पर मना पर ज्ञान क्या कहलाता है, कि मन में जो सरल बात है, सीधी सी बात है ना, उनको जान लेता है। तो हमने कहा आचार्य महाराज जी, यदि इस समय किसी मुनि महाराज के दर्शन हो जाए
जिनको ऋजुमति माने पर ज्ञान है ना, उनका काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वर्तमान में हम सब इतने कठिन है, सरलता में है नहीं है, तो हमारे मन की बात को तो जान ही नहीं पाएंगे। उनके विपुल मती मन प्रज्ञानी आना चाहिए, तब आचार्य जी ने क्या बात कही मैं आपको बताना चाहता हूं। आचार्य महाराज जी ने कहा कि हाँ, ये तो सीधे सीधे तो कोई बोल के जानते नहीं। आज के इंसान जो है, वर्तमान मानव है, वो सीधी सीधी बात तो करता ही नहीं है, उसको तो उलट फेर करने में आनंद आता है, घुमाने में ही आनंद आता है। सीधी सीधी बात कहो तो कोई मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। तो हमारी आदत कैसी पड़ गई है, बात को घुमाने की, कुटिलता की बात, कुटिलता के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। यदि वर्तमान में ऋजुमति विपुल ज्ञानी ऋजुमति मन प्रज्ञानी महाराज यदि होंगे तो हमारे मन की बात को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम इतने कुटिल, क्योंकि क्या करें, महावीर स्वामी के समय काल के हम सब उनके शिष्य हैं। और उसमें कहा भी गया है कि इस समय जितने भी शिष्य होंगे इतने कुटिल ही रहेंगे, इतनी उनकी भावना ऐसी ऐसी रहेगी कि एक आदिनाथ भगवान के शिष्य थे, इतने सीधे सरल तो जानते नहीं थे कुछ भी, तब भी उनको प्रतिरोध करना पड़ेगा है, गलती करो या नहीं करो। और वर्तमान में वर्तमान शासन महावीर स्वामी के हम सब शिष्य हैं, उनका काल चल रहा है, तो चूंकि इस समय के जितने उनके शिष्य हैं, जितनी परंपरा वाले हैं, वो कुटिल वाले हैं, तो हमने कोई गलती नहीं की है, कोई बात नहीं, तब भी आपको तो प्रतिरोध करना पड़ेगा, तस्मिच्छा में दुक्रम तो करना ही पड़ेगा। शेष 20 में बीच के जो 22 भगवान बचे, उनके समय काल में जब कोई गलती होती थी तभी प्रतिरोध करना पड़ता था, ऐसा आगम में मूलाचार में ऐसा आया है। इसलिए हम सरल बने विपुल न बने, क्योंकि जो आड़त ऐसा चलता है वही बनता है, कभी भी साफ चीजें नहीं चलता है, आड़त ऐसा चलता है। हमारे मन की भावनाएं, मन की परिणति, हमारे क्रिया की परिणति, वचन की परिणति तिरछी घुमावदार होगी तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कुंडली मार कंकर पत्थर पर क्या मान बैठे, इसलिए मान कसाय को कम करो, परिग्रह को कम करो, सभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं और समुची मानव को हम ऐसा रास्ता दे सकते हैं। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निस्वभाव में थिर भये वज्र नाभि निर्गंथ। जिनके पास ऐसा वैभव था, सब कुछ था, उन सबको वैभव को छोड़ करके भी, उन्होंने परिग्रह छोड़ करके भी ऐसी दिगंबरी दीक्षा धारण करके अपना आत्म कल्याण कर लिया है। इसलिए जो संग है तो संग से इस काम नहीं चलेगा, निसंग से काम चलेगा। निसंग बनो, परिसरहित बनो, इसलिए मूर्छा परिग्रह को कम करो, नहीं तो बाद में ऐसे ही होगा कि जो अभी तक दो युद्ध हो पाए हैं, विश्व हो पाए हैं, तीसरे की क्या स्थिति बनेगी कह नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा कि तीसरे विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो उनसे कहा गया कि भाई हम बता नहीं सकते तीसरे विश्व युद्ध की क्या स्थिति पड़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा, परिणाम क्या होगा तीसरे विश्व युद्ध का, थर्ड बड़ा वार जो होने वाला है ना, होगा मान लो तो कैसा होगा, लेकिन हम ये बता सकते कि चौथा युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, चौथा युद्ध जो होगा ना विश्व युद्ध होगा कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ पत्थर बचेंगे, पत्थर है तो चौथा विश्व युद्ध तो पत्थरों से लड़ा जाएगा, कहीं समूची वो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस विश्व को बचाना चाहते हो, समूची मानव सभ्यता को बचाना चाहते हो, तो हमको परिग्रह को कम करके, आसक्ति को कम करके, एकमात्र अपने आत्म गौरव को जानना पड़ेगा, उसको वैभव को जानना पड़ेगा, और सब में सहायता सहजता और सरलता की परिणत रखते हुए सबके कल्याण की भावना करते रहेंगे। इसलिए दिशाहीन दौड़ से कोई फायदा नहीं है, हम सबकी दिशा एकमात्र अपने आत्म वैभव की ओर हो, पंचमेशी चरणों में हो, इसी मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि दी शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने ताम बंद मानस ममास्तु देवी।